जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड रोधी टीका देने के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अनुशासित ढंग से वैक्सीनेशन का काम जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कंप्लीट हो गया, बच्चे कुछ जो है वो आ रहे हैं, सेकेंड डोज अभी चल रही है। किशोरों के साथ ही बुजुर्ग महिला पुरुष के लिए भी अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहां 60 साल से अधिक के बुजुर्ग बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर बहुत मात्रा में आ रहे हैं, जो अपना बूस्टर डोज ले रहे हैं, मैं थर्ड डोज ले रहे हैं। इस थर्ड वेव में बहुत अधिक ये बूस्टर डोज उन लोगों को हेल्प कर रहा है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले किशोरों का भी मानना है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि हम वैक्सीन अगर लेंगे तो कोरोना केसेस कम होंगे और हम लोग पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ज्यादा बच्चों को इफेक्ट ना करे। कोविड रोधी टीका को लेकर अब लोगों में खासी जागरूकता आई है और सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर इस महामारी से बचाव करने के लिए प्रयासरत हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।